हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वाला। आई एम रफीक हियर और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। यू नो वेल, फ्यूचर टेंस का मतलब फ्यूचर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और बात करने जा रहे हैं या बात करेंगे, तो वो क्या है? फ्यूचर टेंस है। अब फ्यूचर टेंस में भी चार टाइप्स होते हैं, चार पार्ट्स होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट में करा था हम लोगों ने, पास्ट में करा था कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही फ्यूचर में भी होगा। फर्स्ट क्या है? फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट भी कह सकते हैं हम लोग, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड थर्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और उसके बाद फोर्थ क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये फोर टेंसेस हम लोग फ्यूचर टेंस में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस क्या है? जो काम फ्यूचर में होगा या हम लोग फ्यूचर में करेंगे, एक प्लान कर रहे हैं या फिर ऐसा किसी के बारे में बता रहे हैं कि वह ऐसा करेगा, वह कल आएगा, वह तुम्हें इन्फॉर्म कर देगा, वह तुम्हारी हेल्प करेगा, तो ऐसे सेंटेंस क्या होंगे? फ्यूचर टेंस में आएंगे। और फ्यूचर सिंपल टेंस में अभी मतलब एक है प्लान करेगा, आगे कंटिन्यूअस या परफेक्ट हम नहीं बता रहे हैं, सिर्फ एक है कि हाँ करेगा, ऐसा होगा। हिंदी में जैसे लास्ट में कहते हैं करेगा गा या गे या गी, मतलब गा गे गी, ऐसा तो कोई सेंस नहीं आता। मतलब कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगी, या आपने कहा कि वह कल आएगा, वह मेरी मदद करेगा, तो इस तरह के सेंटेंस होते हैं, तो हम वहां पे फ्यूचर सिंपल टेंस यूज करते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस में क्या है? सब्जेक्ट है, उसके बाद शैल और विल आना है। बहुत कॉमन है, इंग्लिश में ज्यादातर लोग यूज कर लेते हैं। उसके बाद वर्ब की क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑन ऑब्जेक्ट। स्पोकन में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं किसी को, तो वहां पे फ्यूचर सिंपल टेंस की जरूरत पड़ती है स्पोकन में। सब्जेक्ट के बाद हम लोग को शैल या विल यूज करना है। अब कहां पे शैल यूज करना है, कहां पे विल यूज करना है, वो डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म ही रहेगी एंड ऑब्जेक्ट। अब जैसे अगर सब्जेक्ट आई और वी आता है, तो ग्रामर के हिसाब से हम लोग क्या यूज करते हैं? शैल, आई शैल, वी शैल, और उसके पास सब्जेक्ट जो भी आएगा सबके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? विल। जैसे ही है तो विल यूज करेंगे, शी अगर सब्जेक्ट आता है तो क्या यूज करेंगे? विल यूज करेंगे, दे आता है, मतलब आई और वी को छोड़कर सभी के साथ क्या यूज करना है हम लोगों को? विल यूज करना। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज और देखते हैं हम लोग कि आजकल बोलने में ना आई और वी के साथ भी शैल को यूज नहीं करते हैं लोग, शैल ना यूज करके विल यूज कर लेते हैं, मतलब एक श्योरिटी हो जाती है हाँ भाई ये करूंगा, तो वहां पे हम लोग आई वी के साथ भी विल यूज कर लेते हैं स्पोकन में। ये कहें कि एक ट्रेंड है, एक फैशन आज के टाइम में। लेकिन जब आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि आई और वी के साथ हमें शैल ही यूज करना है। बोलने में भले ही विल यूज कर लेते हैं, जैसे पहले वह कल आएगा, वह कल आएगा, तो हम वहां वह की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट कौन है? वह ही। अब ही के साथ क्या यूज करना है? विल, ही विल, ही विल। अब वर्ब कौन है इसमें? आएगा, आना, कल की या नेक्स्ट डे की बात हो रही है कि वह आएगा, वह कल आएगा, तो ही विल। और वर्ब क्या है? आना, तो कम की फर्स्ट फॉर्म कम ही रहेगी, ही विल कम। अब कल, कल ऑब्जेक्ट हो गया, तो ही विल कम टुमारो, वह कल आएगा। बाकी का जो बचा ये, ही विल कम टुमारो, वह कल आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है राम आपकी मदद करेगा। किसकी बात हो रही है? राम की, कि राम आपकी मदद करेगा या नहीं करेगा, तो नहीं करेगा नेगेटिव होगा। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस, कि राम आपकी मदद करेगा। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम, और किसकी मदद करेगा? आपकी। तो पहले सब्जेक्ट कौन है इसमें? राम, तो राम के साथ क्या ऐड करेंगे हम लोग? विल, राम विल। और वर्ब कौन है इसमें? मदद करना, तो राम विल हेल्प, और आपकी तो यू, राम विल हेल्प यू, आप राम आपकी मदद करेगा। अगर आपने कहा कि आप राम की मदद करेंगे या नहीं करेंगे, तो आप अगर सब्जेक्ट है तो यू, लेकिन यहां किसकी बात हो रही है? राम की, राम मदद करेगा, काम करने वाला सब्जेक्ट कौन है? राम। मैच 8 बजे शुरू होगा, क्या शुरू होगा? मैच 8 बजे मैच शुरू होगा, तो मैच की बात हो रही है, द मैच, द मैच। अब मैच के बाद क्या यूज करेंगे हम लोग? विल, द मैच विल। अब वर्ब कौन है इसमें? शुरू होगा, द मैच विल स्टार्ट, द मैच विल स्टार्ट 8 बजे। अगर मॉर्निंग का टाइम है तो एट 8 AM करेंगे, शाम का टाइम है तो एट 8 PM हो जाएगा, एट 8 AM मैच 8 बजे शुरू होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा, मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा, तो इसकी इंग्लिश हम क्या बोलेंगे? आई विल। और पढ़ाना की इंग्लिश क्या हो जाती है? टीच, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है? मैं पढ़ाऊंगा, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो आई, और आई के साथ हम शैल और विल दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी आपके साथ अभी डिस्कस किया था कि आई के साथ में स्पोकन वगैरह में ज्यादातर स्पोकन में बोलने में विल यूज कर लेते हैं, या आजकल एक ट्रेंड हो गया कि आई के साथ ज्यादातर लोग विल यूज करते हैं, ठीक है? तो मैंने कहा मैं आपके, आपको टेंस पढ़ाऊंगा, तो आई विल। और वर्ब कौन है? पढ़ाना, तो आई विल। अब टीच हो जाएगा, आई विल टीच। अब किसको?
आपको, अब क्या पढ़ाऊंगा, टेंस। तो आई विल टीच यू, आई विल टीच यू द टेंस, मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा, आई विल हेल्प यू, मैं इस चीज का कंफ्यूजन दूर कर दूंगा या फिर मैं आपकी प्रॉब्लम हल कर दूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। आई विल को भी शॉर्ट फॉर्म में आजकल लोग इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपसे कल मिलूंगा, मैं आपसे कल मिलूंगा। तो लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में, आई विल हेल्प यू, आई विल मीट यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलूंगा, विल डिस्कस इट लेटर, हम लोग इसे बाद में डिस्कस करेंगे, मैं आपसे कल मिलूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा, I'll meet you tomorrow. मैं आपसे कल मिलूंगा, मिलूंगा, मैं कल की बात कर रहा हूं, मैं आपसे कल मिलूंगा। तो I'll, I will को शॉर्ट फॉर्म में मैंने क्या लिख दिया, I'll, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, I'll meet, meet मतलब क्या हो गया, मिलना वर्ब हो गया, I'll meet, अब आपसे तो you tomorrow, I'll meet you tomorrow, मैं आपसे कल मिलूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, सीता अंग्रेजी बोलेगी, किसकी बात हो रही, सीता की। सीता यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश क्या बोलेंगे हम लोग, सीता, और उसके साथ क्या यूज करेंगे आगे, विल, सीता विल, और वर्ब कौन है इसमें, सीता अंग्रेजी बोलेगी, बोलना वर्ब है, तो सीता विल स्पीक इंग्लिश, सीता अंग्रेजी बोलेगी। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग, सॉरी, ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, कोई भी कुछ करेगा, जैसे मैंने कहा कि ये काम शुरू होगा, या फिर आपने कहा कि यार आज बारिश नहीं होगी, सॉरी आज बारिश नहीं होगी, तो खैर नेगेटिव सेंटेंस होगा वो, वह आएगा, वह आपकी मदद करेगा, हम लोग इस चीज के लिए प्रिपेयर करेंगे, या फिर हम लोगों ने कहा कि हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो क्या बोलेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट दिस मैटर, हम लोग इस मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आपने कहा कि वह ट्रेन से आएगा, वह ट्रेन से आएगा, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश आप, ही विल कम बाय ट्रेन, वह बस से आएगा, तो आप इंग्लिश क्या बोलेंगे, ही विल कम बाय बस। तो ऐसे सेंटेंस, जैसे आपने कहा वह पैदल आएगा, वह पैदल आएगा, तो इंग्लिश क्या बोलेंगे, ही विल कम ऑन फुट, पैदल आना की इंग्लिश, पैदल की इंग्लिश क्या बोलेंगे, ऑन फुट, वह पैदल आएगा, तो ही विल कम ऑन फुट। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गए। नेगेटिव करना है तो हमें शैल और विल के बाद नॉट ऐड कर देना है। हाँ, उससे पहले थोड़ा डिस्कस करें, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पे हम लोग एप्लीकेशन लिख रहे हो तो अब भी आई के साथ शैल यूज करते हैं, एक वो पोलाइटनेस जाहिर करता है। जैसे आपने कहा कि आई शैल बी थैंकफुल टू यू, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगा, आभारी रहूंगा, अगर आप मुझे परमिशन दे देते हैं या दे देंगे। तो वहां पे हम लोग जब किसी को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, किसी को थैंक्स अदा कर रहे हैं, तो अभी आई के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, शैल यूज करते हैं, इस चीज का ख्याल रखना। नेगेटिव सेंटेंसेस हम लोग करेंगे तो नेगेटिव में क्या करना है, शैल और विल के बाद नॉट यूज कर देना है। अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, शैल विल के बाद नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब की फॉर्म में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि सिर्फ हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शैल विल के बाद नॉट ऐड कर रहे हैं, और फ्यूचर टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। जैसे आपने कहा कि वह कल नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं लगा देते हैं, तो ही अब ही के बाद क्या होगा, विल, ही विल, अब उसके बाद क्या ऐड कर दिया, नॉट, ही विल नॉट कम टुमारो, वह कल नहीं आएगा। बहुत सिंपल है। जैसे आपने कोई भी सेंटेंस सोच लिया कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई, और आई के बाद क्या यूज करना हमें, विल, और विल के बाद क्या यूज कर देंगे, नॉट, आई विल नॉट, और वर्ब कौन है, फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या चाहिए हमें, जाऊंगा, तो आई विल नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। जैसे आपने कहा कि वह आपकी मदद नहीं करेगा, तो इंग्लिश क्या बोलेंगे, ही विल नॉट हेल्प यू। या आपने कहा कि मैच 8 बजे शुरू नहीं होगा, द मैच विल नॉट स्टार्ट एट 8 PM, या फिर आपने कहा कि सर आज क्लास में नहीं आएंगे, सर आज हमें नहीं पढ़ाएंगे, सर will not teach us, the teacher will not teach us, teacher हमें आज नहीं पढ़ाएंगे। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पे नेगेटिव करना है तो हमें shall will के बाद not यूज करना है। इंट्रोगेटिव का मतलब क्वेश्चन जो भी सेंटेंस में कर रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है shall will, इसको हम लोग पहले ला देंगे। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं, shall will को पहले कर दिया तो क्या बचा, shall will के बाद shall will पहले होगा, सिर्फ सब्जेक्ट या बाकी चीजें वैसे ही रहेंगी, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। यह आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जैसे आपने कहा कि क्या वह आएगा, क्या आप मुझे बताएंगे, तो ऐसे सेंटेंस होंगे तो फिर वहां पे यूज करेंगे हम लोग शैल विल को पहले। जैसे आपने कहा कि क्या आप मुझे बताएंगे, तो आपसे पूछ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग विल को पहले कर देंगे, विल यू टेल मी,
विल शैल पहले कर दिया, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब कौन इसमें बताना, तो टेल बताना, विल यू टेल मी, क्या आप मुझे बताएंगे, क्या मुझे कोई बताएगा, तो वहां पे भी सेंटेंस आपको यही होगा, विल एनीबडी टेल मी, क्या चल रहा है यहाँ पे, कोई क्या कोई मुझे बताएगा, तो विल एनीबडी टेल मी, क्या मुझे कोई बताएगा, इंग्लिश पहले होगी, कब इंग्लिश क्या बोलेंगे, वेन, वेन विल यू गो देयर, तुम वहां क्यों जाओगे, क्यों जाओगे तुम वहां, तुम्हारी जरूरत नहीं है, कोई भी सेंटेंस ऐसे है तो आप वहां पे क्यों की इंग्लिश क्या बोलेंगे, व्हाई, व्हाई विल यू गो देयर, तुम वहां क्यों जाओगे, मैंने कहा कि तुम उसकी मदद क्यों करोगे या क्यों नहीं करोगे, तो फिर वहां पे व्हाई विल यू नॉट हेल्प हिम, या आप तुम उसकी मदद क्यों करोगे, व्हाई विल यू हेल्प हिम, तो ऐसे सेंटेंस जहां पे क्यों कब कैसे आ जाए तो वो वर्ड आपको पहले यूज करना, फिर शैल विल प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहें, देखते रहें और सीखते रहें, आपको पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।